ये चीज कम से कम मुझे क्लियर तो हो रही है कि मैंने 25 एमबी यूज किया है। और सो हे एवरीवन, कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं काफी कमाल की ट्रिक गाइस, जिसकी हेल्प से आप लोग इजीली इनेबल कर सकते हो डाटा यूजर के फीचर को अपने किसी भी Xiaomi, Redmi और Poco के डिवाइस में, वो भी गाइस विदाउट रूट, विदाउट एनी थर्ड पार्टी एपीके। अब हम सभी को पता है गाइस की जो डाटा यूजर है उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमसे वो छीन ली गई है चीज। बट यहाँ पे गाइस मैं आपके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी हेल्प से आप उसे इनेबल कर सकते हो, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है कि 1.5 GB हमें मिलता है पूरा दिन का, और कई बार हम उसे ज्यादा यूज कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो ये चीजें हम लोग ही समझ सकते हैं गाइस जिनको लिमिटेड डाटा मिलता है। इसलिए गाइस मैं आपके लिए लेके आया हूं काफी कमाल की ट्रिक। पहले आप ट्रिक को पूरा देखो, समझो हर एक पॉइंट को मैं बताऊंगा, वैसे वैसे अप्लाई करो, चीजें काफी तक सही रहेगी और कहीं भी आपको गड़बड़ देखने को नहीं मिलेगी और इजिली आपके फोन में डाटा यूजर्स इनेबल हो जाएगा। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं गाइस, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और वीडियो को लाइक ना, पूरी ट्रिक देखने के बाद ही करना। अगर आपके फोन में डाटा यूजर्स इनेबल होता है देन लाइक करो, और अगर हो जाए इनेबल तो भाई कमेंट भी जरूर करना। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं गाइस कि मेरे कंट्रोल सेंटर में डाटा यूजर्स का ऑप्शन नहीं है, जो कि जनरली यहीं पे देखने को मिलता है। हाँ, MIUI 13 में ये ऑप्शन देखने को मिलने वाला है ऑफिशियली, पर वो कब आएगा और हमें इंडिया में मिलेगा डाटा यूजर्स का फीचर या नहीं, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ट्रिक फाइंड की। तो यहाँ पे गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ, इस समय जो मेरा फोन है वो MIUI 12.5 पे ही रन कर रहा है, तो MIUI 12 वाले भी इसको इजी रन कर सकते हैं। और ये पोको का फोन है गाइस, और रेडमी भी मैंने इसको ट्राई करके देख लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इजिली आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए एक बहुत सिंपल चीज है, वो है गाइस एक थीम। जी हाँ, थीम में आपको एक विजेट मिल जाती है जिसकी हेल्प से गाइस डाटा यूजर्स आप इनेबल कर सकते हो, और वो थीम भी कोई नॉर्मल नहीं है गाइस, और विजेट्स भी ऐसी नहीं है कि कोई बेकार सी है जहां पे आपको सिर्फ डाटा यूजर्स देखने को मिलता है। उसकी जो विजेट है गाइस वो भी गाइस काफी ज्यादा कमाल की है। तो उसको इनेबल कैसे करना है गाइस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिससे होगा क्या गाइस कि वो विजेट सिर्फ आपके होम स्क्रीन पे ही अप्लाई होगी, बाकी जो आपके ओवरऑल इंटरफेस है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए गाइस आपने क्या करना है, आपने जाना है थीम पे, और वहां पे गाइस आपने सर्च करनी है Honeycomb। तो जैसे आप Honeycomb को सर्च करोगे गाइस, वैसे इसका जो प्रो वर्जन है वो आपने डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले नंबर पे ये थीम आपको देखने को मिलेगी, जहां पे आपको बहुत सारे विजेट्स देखने को मिलते हैं, और जो सेकंड नंबर पे जो होम स्क्रीन में विजेट है ना गाइस, वहां पे आपको डाटा यूजर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहां पे मैं इसको क्लोज कर देता हूं, एंड देन गाइस नीचे आपको देखने को मिलता है Honeycomb Pro, यही नाम आपने सर्च करना है गाइस। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ये एक प्रीमियम थीम है, तो मे बी आपको एड देखने को मिल सकती है एक बार, तो उस एड को देख के आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लो। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे थीम भी अच्छी है, आप लोग यूज कर सकते हो, बट काफी सारे लोगों को अपने फोन नॉर्मली पसंद है। तो उसके लिए गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन को हटा देना है, सिस्टम को हटा देना है, आइकन्स को हटा देना है, और सिर्फ होम स्क्रीन सेलेक्ट करना है, एंड देन गाइस सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे गाइस सिंपली अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे गाइस जो होम इंटरफेस है वो चेंज होगा, आइकन चेंज नहीं होंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस कि आपको डाटा यूजर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है कि आज मैंने बस 25 MB खर्च किया है। तो ये चीज कम से कम मुझे क्लियर तो हो रही है कि मैंने 25 MB यूज किया है, और ऐसा नहीं है कि आप लोग फोर्स क्लोज करोगे, कुछ भी करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन में वही दिक्कत होती है, फोर्स क्लोज करोगे गायब हो जाएगा। अदरवाइज और फीचर्स भी हैं, उसके लिए आपको रूट करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट MIUI 13 का वेट करना पड़ेगा। तो इन सभी झंझट से दूर गाइस आप लोग सिंपली चेक कर सकते हो कि आपका डाटा यूज कितना हुआ है, और मेरे को लगता है कि अब आपको कंट्रोल सेंटर वाले डाटा यूजर्स के फीचर की जरूरत भी नहीं है। तो ओवरऑल गाइस ये ट्रिक काफी ज्यादा कमाल की है, बहुत सिंपल सी है, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। और गाइस ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, तो इस बात पे गाइस एक थम्स अप तो बनता है, और एक अच्छा सा कमेंट बताओ कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है, आपको डाटा यूजर की क्या क्या जरूरत पड़ती है गाइस, नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और चैनल पे न्यू तो यार सब्सक्राइब करना, ताकि अपकमिंग डेज में ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन और ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहूं। So guys, thank you for watching.